हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना फूडी चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मिक्स वेज कैसे बनाते हैं। ये देखिए मिक्स वेज, इस तरह से मिक्स वेज बनाने के लिए अब आपको हमारी वीडियो देखना होगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मिक्स वेज बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम मिक्स वेज बनाना। ये देखिए, हम इसमें तेल डालते हैं। ये हमारा तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसमें हम थोड़ा सा जीरा ऑयल डालेंगे। जीरा, ये देखिए जीरा को हल्का सा भून देंगे। ये हमारा जीरा देखिए लाल हो गया है, इसमें हम ये हमने कटा हुआ लहसुन डाला है और मिर्च है, इसको भी थोड़ा सा भून देंगे। बहुत ही हल्का सा ब्राउन हो जाए, हल्का हल्का सा भून जाए, फिर हम इसमें अदरक ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा ये भून चुका है, हल्का सा फ्राई हो गया है, तो इसमें हम ये गोभी हमने लिया है तो गोभी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से भून लीजिए। देखिए हल्का सा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम गाजर डाल देंगे। इसको गाजर को इसमें ऐड कर दे रहे हैं। मैं देखिए पतला पतला ऐसे काटा हुआ है ताकि गाजर अच्छे से हो जाए। इसको हम चलाएंगे धीरे धीरे और सारी सब्जियां हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर हमने मटर भी ऐड कर दिया। ये हम थोड़ा शिमला मिर्च है हमने लिया है, ये शिमला मिर्च इसको भी ऐड कर देंगे। ये थोड़ा हमने पत्ता गोभी लिया है। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। ये हमने देखिए पत्ता गोभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए अब इसमें हम मसाला डालेंगे। 2 चम्मच हमने गरम मसाला लिया था, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक, इसको अच्छे से मिला के और फिर ढक देंगे। इसको अच्छे से मिला देंगे। अब इसको हम थोड़ा ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, 10-15 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको खोल के देख लेते हैं कि हमारा हुआ है कि नहीं। ये देखिए अच्छे से हो चुका है हमारा। देखिए हमारी सब्जी हो चुकी है, इसको हल्के हल्के से अच्छे चलाएंगे। चेक कर लेते हैं कि हमारी हुई है कि नहीं सब्जी। तो ये देखिए हम गाजर का एक पीस उठाते हैं, इसको दबा के देख लेते हैं। एकदम अच्छे से हो चुकी है हमारी गाजर भी हो गया है। ये गोभी का एक पीस उठा के ये देखिए अच्छे से हो गया। तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं। इससे पहले ये थोड़ा हमने धनिया डाल दे रहे हैं इसमें।
से चला देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिक्स वेज बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी मिक्स वेज कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही रेसिपीज़ आपको सबसे पहले आप देख सकें।